इस वर्ष देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इस बार का 15 अगस्त का पर्व सबसे अलग होने वाला है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हर घर तिरंगा फहराने की मुहिम की शुरुआत की है। योगी सरकार की हर घर तिरंगा मुहिम का शाहजहांपुर के जिला जेल में बंद बंदी भी हिस्सा बन रहे हैं। देश की आन बान और शान हमारा प्यारा तिरंगा इस 15 अगस्त को हर घर में लहराए, इसलिए जिला जेल में बंद बंदी लोगों को मुफ्त तिरंगा झंडा बनाकर देने की तैयारी में लगे हुए हैं। शाहजहांपुर जिला कारागार के अधीक्षक मिजाजी लाल ने बताया कि इस बार 15 अगस्त को आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मनाया जाएगा। इसी के चलते योगी सरकार ने हर घर तिरंगा फहराने की मुहिम की शुरुआत की है। योगी सरकार की हर घर तिरंगा मुहिम से जेल में बंद बंदी भी जुड़ रहे हैं। शाहजहांपुर जेल में बंद बंदी हर घर तिरंगा फहराने में भी अपना योगदान दे रहे हैं। जेल अधीक्षक मिजाजी लाल ने बताया कि जेल में बंद पुरुष और महिला बंदी दोनों मिलकर हजारों की संख्या में तिरंगा झंडा बनाकर तैयार कर रहे हैं। बंदियों द्वारा बनाए गए यह झंडे लोगों को फ्री में बांटे जाएंगे, ताकि लोग इस 15 अगस्त को हर घर में तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मना सके। जेल अधीक्षक ने बताया कि जेल प्रशासन की तरफ से 6500 तिरंगा बनाकर जिला प्रशासन को सौंपे जाएंगे। उन्होंने बताया कि तिरंगा झंडा बनाने के लिए कच्चा माल और अन्य सामग्री स्वयं सेवी संगठन व अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री बीपी गोल्डी की तरफ से जेल प्रशासन को उपलब्ध कराई गई है। और महिला कैदी दोनों बढ़ चढ़कर कारागार में ही स्थापित सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र में तिरंगे तैयार कर रहे हैं। इन तिरंगों को कारागार के बंदियों, स्टाफ, प्रशासन तथा जन सामान्य को भी निशुल्क भेंट किए जाएंगे। शाहजहांपुर से जनमत न्यूज के लिए राजीव शुक्ला की रिपोर्ट।